नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। रूपा जी, यहाँ देख रहे हैं कैसे सीड का डिसंबर वायदा 6500 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। कल को हमने कैसे सीड की कीमतों को 6570 के ऊपर भी जाते हुए देखा था। हालांकि आज जो बाजार है 6500 पर ही खुला है, लेकिन 6500 के ऊपर के लेवल अभी भी देखने को नहीं मिला है शुरुआती दौर में। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कैस्टर में एक बार फिर से कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिलेगा या फिर आज इंट्राडे में कैस्टर में तेजी बनती नजर आ सकती है और कल वाले लेवल्स फिर से देखने को मिल पाएंगे? देखिए, एक्सपेक्टेड है कि कल वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एक बार फिर से तेजी बन सकती है, क्योंकि अब देखिए मार्केट जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 6500 के ऊपर, 6400 के ऊपर। जब तक स्टेबिलिटी है तो अभी तो 6400 से 6600 की एक रेंज है, इसके ऊपर या नीचे निकलेगा जब भी बाजारों में एक ट्रेंड जो है वो क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है 6600 तक के स्तर संभव है। आज इंट्राडे में भी एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जी। ये रूपा जी देख रहे हैं बिनौला खल का डिसंबर वायदा 2633 पर कारोबार कर रहा है, लगभग 0.25% की तेजी है। रूपा जी, आपका जो बिनौला खल का टारगेट था 2600 का, आज वो अचीव होता हुआ नजर आ गया है। अब आपको यहाँ पे क्या लगता है, क्या बिनौला खल में यहाँ से तेजी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्या 2600 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल पाएगी, क्या बिनौला खल 2600 के ऊपर सस्टेन होने में यहाँ पे कामयाब हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि मैंने पहले भी बताया था कि बिनौला खल जो है अभी काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, इनके अंदर बाइंग में रहना चाहिए। और जो 2600 के ऊपर अब सस्टेन है तो अब देखिए 2800 से 3000 के भी स्तर देखने को मिलेंगे जनवरी वायदा के अंदर। जनवरी फरवरी वायदा में आपको ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं देखने को मिल सकते हैं। जहां तक दिसंबर वायदा की बात है तो 2800 तक एक बार एक्सपेक्टेड है कि ऊपर मार्केट जा सकता है। तो आज इंट्राडे में भी बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। अभी बाजार जो है ऊपर में, मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के अंदर भी 2660 से लेकर 2680 तक की रेंज दिखा सकता है जी। से रूपा जी देख रहे हैं कि धनिया का दिसंबर वायदा आज 9128 पर कारोबार करता नजर आ रहा है। रूपा जी, धनिया को हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में 8800 पर ट्रेड करते देखा है, लेकिन आज देख रहे हैं कि 9128 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लगभग 2% की तेजी बनी हुई है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, जिस हिसाब से धनिया में अचानक से तेजी आई है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, तो क्या धनिया यहाँ से अभी और भी तेज होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल धनिया में तेजी बनी हुई है और लगातार अब तेजी की तरफ ही है। 9000 के ऊपर निकल चुका है। अब आप यहाँ से मान के चलिए 9200 से लेकर अगर ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो ऊपर में 9500 तक एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं कि जनवरी वायदा आपको 10000 के भी स्तर दिखा दे, क्योंकि अब जो डिमांड पिकअप होती हुई अब 9000 के ऊपरी स्तरों पर आपको दिखाई देगी। और देखिए, एक्सपायरी के चलते आगे दिसंबर वायदा की तो छुटमुट गिरावट भी बन सकती है और नीचे में 8500 तक की रेंज भी आ सकती है। तो आप इसको मान के चलिए नीचे में 8500 और ऊपर में अब 9000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको 10000 से लेकर 11000 के स्तरों पर ले जा सकती है। तो काफी पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक करेक्शन के बाद वापस से खरीदारी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है जी। तो यानी कि जो धनिया है वो 10000 से 11000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, निचले स्तर पर खरीदारी करके धनिया में चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सर रूपा जी देख रहे हैं जीरे का दिसंबर वायदा भी 16610 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 0.25% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि जो जीरा है 16600 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, एक रेंज देखने को मिल रही है जीरे के अंदर। हालांकि लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं ये भी, लेकिन 16600 के दायरे में ही देखने को मिल रहा है, 16700 16800 का लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जीरा इस कारोबार इस सप्ताह ये लेवल्स ब्रेकआउट दे पाएगा? देखिए, एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि सभी स्पाइसेस के अंदर अब तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आपको 16800 के जैसे निकलेगा तो 17200 का स्तर आप मान के चलिए कि एक बार मार्केट में फिर से देखने को मिल सकता है। तो 17200 के स्तरों के लिए जीरा अभी बाइंग में जा सकता है। और क्योंकि धनिए के अंदर भी तेजी है, जीरे के अंदर भी तेजी है और हल्दी में भी अब तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। आज जरूर हल्की करेक्शन है, लेकिन ट्रेंड उसका भी अब पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्पाइसेस के अंदर अब डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है। जो पहले एक्सपोर्ट डिमांड गिर गए थे उसमें एक बार फिर से अब जो है मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जीरा हो सकता है आपको 17200 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे जी। ये सर रूपा जी देख रहे हैं जो माफ कीजिएगा, हल्दी में हम देख रहे हैं 7800 के आसपास ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। बीते सत्र में हमने हल्दी को 8000 के ऊपर भी हाई लगाते हुए देखा था। आपको क्या लग रहा है, क्या कल वाली तेजी हल्दी में आज भी देखने को मिल पाएगी?
देखिए एक्सपेक्टेड है कि हल्दी के अंदर तेजी बन सकती है। आज 7800 के नीचे एक बार बाजार लुढ़का जरूर था, लेकिन उसके बाद सस्टेनेबल कर रहा है, उससे 7800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी 7740 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 7780 के आसपास बाइंग बनाया जा सकता है और ऊपर में 8000 तक के स्तर संभव है, देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि ओवरऑल मसालों का जो पैक है वो तेजी की ही तरफ है, चाहे फिजिकल में हो या फिर वायदा में हो, मसालों में अभी तेजी ही देखने को मिलेगी क्योंकि फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट डिमांड भी है, और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि शादी ब्याह का सीज़न शुरू हो गया है भारत में, जिसकी वजह से मसालों की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ती नज़र आएगी और कीमतों में तेजी दिखती रहेगी। ये सुरूपा जी, बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज भी मंदी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से ग्वार में एक अच्छी रैली के बाद एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, कम से कम 2-2500 पॉइंट नीचे लुढ़का है ग्वार, तो क्या ऐसे में इस समय ग्वार से अभी दूरी बनाकर चलना ही सही रहेगा? देखिए बिल्कुल, अगर थोड़ी दूरी बना के रखे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन देखिए ट्रेंड अभी जो है वो एक बार फिर से डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमें इसके अंदर दबाव ही देखने को मिल रहा है। बाजार जो है लगातार 12,000 से नीचे लुढ़कता हुआ ही दिखाई दिया है, और फंडामेंटल की बात करें तो इस बार फसल काफी कमजोर देखने को मिली है। वहीं ग्वार के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी इस बार जो है 33 लाख बोरी के आसपास देखने को मिला, जो कि पिछली बार 55 लाख बोरी के आसपास था। देखिए अभी इसकी तेजी मंदी जो है एक्सपोर्ट डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही है, या फिर ये यूं कहें कि फिजिकल मार्केट के अंदर अगर ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं तो इसकी जो है डिमांड पिकअप होती है, तो प्राइसेस के अंदर बूस्ट आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही थोड़ा सा मांग मंदी पड़ी है तो इसकी कीमतों के ऊपर जो है वो इफेक्ट आना शुरू हो चुका है, तो अभी जो है डिमांड इसकी मुझे लगता है कि शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, कि ट्रेडर्स जो हैं अभी सोयाबीन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन जो स्टॉकिस्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग पहले अपना माल निकालते हुए ग्वार के अंदर दिखाई दे रहे थे, अब कुछ मूवमेंट जो है सोयाबीन में भी आने लगी है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा ठहराव आ सकता है ग्वार के अंदर, लेकिन ट्रेंड वापस से पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा अगर एक बार फिर से खरीदारी हावी होती है। और अभी आप मान के चलिए नीचे में हो सकता है, आपको एक बार 11,000 के नीचे अगर लुढ़क जाता है तो 10,800 से लेकर 10,600 के स्तर ग्वार के अंदर देखने को मिले, अगर 10,800 के सपोर्ट लेकर अगर वापिस से बाइंग में आता है तो फिर तेजी की तरफ जा सकता है, अदरवाइज 10,800 को सपोर्ट है अगर वो ब्रेक करता है तो आपको नीचे में 10,000-10,800 तक के स्तर भी इसके अंदर ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज सीड के अंदर भी आपको 6,000 तक नीचे डाउनसाइड आ सकता है और ऊपर में 6,400 के ऊपर निकलते ही इसमें वापस से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी बाजार जो है इन्हीं इसी लेवल पर एक बार कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है इन लेवल्स के ऊपर तो वापस से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। तो यानी कि अभी ग्वार की जो मंदी तेजी है वो इसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड इतनी ना होकर इसकी डिमांड की ओर ज़्यादा शिफ्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस दिन बाजार के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो एक्टिव होते हैं, उस दिन ग्वार की बाजार में काफ़ी शानदार तेजी बनती नज़र आती है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है हम वायदा बाजार में, फ्यूचर मार्केट में भी पड़ता हुआ देखते हैं, और वही दिन होते हैं जब ग्वार की कीमतों में ऊपरी सर्किट लगते नज़र आते हैं, चाहे फंडामेंटल तेज हो या ना हो। लेकिन जिस दिन ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होते हैं, एक्सपोर्टर्स मंडियों में खरीदारी नहीं करते हैं, उस दिन बाज़ार शांत रहता है, और हम देखते हैं कि वायदा में भी बाज़ार शांत ही रहता है और निचले सर्किट भी कभी कभार लगते नज़र आ जाते हैं, तो इसलिए हम देख रहे थे कि ग्वार में एक दिन 5-5-6-6% के ऊपरी सर्किट, तो उसके ठीक 2-3 दिन बाद 5-5-6-6% के निचले सर्किट भी लगते नज़र आ रहे थे, तो ग्वार में अभी थोड़ा मार्केट को वॉच करके चलना ज़्यादा सही रहेगा। यहीं से रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वादा देख रहे 6568 पर कारोबार करता नजर आ रहा है और 6640 का हाई लगा चुका है। रूपा जी देख रहे हैं सोयाबीन की कीमतों में एक के बाद एक तेजी लगातार जारी है, किसी किसी मंडी से ये भी खबरें निकल के सामने आई कि वहाँ पे सोयाबीन 7300 तक बिकती नजर आई है। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से किसानों ने अब अपनी सोयाबीन को स्टॉक करके चलना शुरू कर दिया है और मंडियों में आवकें अब कम देखने को मिल रही हैं, किसान निचले स्तर पर अपनी सोयाबीन बेचने को मंजूर मूड में नहीं है, क्या ऐसे में एक बार फिर से सोयाबीन की कीमतों में पहले वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो बुआई के समय देखने को मिले थे, 11,000-12,000 वाले?
देखिए मार्केट में तो ये खबर है कि ये लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए अभी जो है जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सोयाबीन की क्रशिंग भी कम हो रही है, क्योंकि अभी सोयाबीन का अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो देखे तो प्रोडक्शन काफी इम्पैक्ट हुआ है, जबकि अभी भारत में प्रोडक्शन अच्छा खासा बताया जा रहा है, जी लेकिन जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि फार्मर्स माल बेचने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मंडियों में माल नहीं आ रहा है, तो इस वजह से डिमांड जो है मार्केट में देखने को मिल रही है और प्राइसेस बूस्ट अप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियों में हो सकता है कि 7,000-7,300 के आसपास सोयाबीन बिकी हो, जिस तरीके से वायदा में भी हमें तेजी बनते हुए देखी है, तो इसके चलते हो सकता है कि आपको सोयाबीन के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को आगे भी मिल सकता है, क्योंकि अभी देखे तो प्लांटों को भी सोयाबीन ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी सपोर्ट लेता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई काफी डिस्टर्ब है, इस वजह जी से कीमतों के अंदर तेजी है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि एक बार अगर सोयाबीन यहाँ वायदा के अंदर 7,000 के ऊपर निकल जाता है अखिलेश, तो आप मान के चलिए कि उसके बाद इसकी तेजी जो है वो अच्छी खासी बन सकती है, और 8,000 से लेकर आपको 8,500 पे और मे भी आगे अगर सस्टेन किया मार्केट तो 10,000 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी आने के लिए अभी 7,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। अगर उससे ऊपर आ जाते हैं तो सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी को कोई नहीं रोक पाएगा और सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी ही देखने को मिलती रहेगी। रूपा जी, अभी कुछ महीने पहले वैश्विक रिपोर्ट निकल के आई थी सोयाबीन की कि जो वैश्विक सोयाबीन का उत्पादन है वो ज़्यादा रह सकता है। वर्ल्ड ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब वही देख रहे हैं कि जैसे जो मुख्य उत्पादक देश हैं, फॉर एग्जांपल बात करें जैसे US हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, जिन देशों से पूरे विश्व में सोयाबीन की सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट किया जाता है, अब उन्हीं देशों में सोयाबीन का उत्पादन कम रहने की आशंका बताई जा रही है और भारत में ज़्यादा बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन का उत्पादन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता नज़र आ पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले खबर निकल के सामने आई थी कि अर्जेंटीना में लगातार दूसरे तीसरे साल ऐसा देखा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसलें नष्ट होती नज़र आएंगी। देखिए बिल्कुल अभी जो प्रोडक्शन की आपने बात कही, बिल्कुल ये जो प्रोडक्शन है ये बिल्कुल जो वैश्विक स्तर पर फिसलता हुआ नजर आया है। ब्राजील में, अर्जेंटीना में और US में फसल कमजोर पड़ी है, और इसके साथ साथ सौपा के भी आंकड़े निकल कर आया है। जो भारत के अंदर जो सोयाबीन का उत्पादन है लगभग 119 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14% अधिक बताया जा रहा है भारत में, जबकि प्रोडक्शन ज्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो प्रोडक्शन इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके बावजूद आप देखिए भारत के अंदर कीमतें तेज होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि इस बार जो किसानों ने सोयाबीन जब सोइंग की थी तो उनको बीज भी काफी महंगे मिले थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइजेस को सस्टेन इन लेवल्स के ऊपर मुझे लगता है कि कर सकते हैं प्राइजेस, और आगे इसके अंदर तेजी बन सकती है। और जिस तरीके से माल की अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी पोजिशनें होल्ड पर है और स्टोकिस भी स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सोयाबीन एक बार बूस्टअप हो सकता है। और आप मान के चलिए देखिए अभी करंट लेवल से हम 500-700 की ही तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिलहाल देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल सोयाबीन की को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं सोयाबीन को अभी रोकें या बेच दें। देखिए अभी तेजी बन रही है तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, कुछ एक माल आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी बाजार ऊपर जा सकते हैं, आप होल्ड करके चल सकते हैं, तो इनको रोकना चाहिए माल को, और अभी 10-15 दिन का टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि 10-15 दिन में और एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। जी, तो यानी कि सोयाबीन को अभी थोड़ा और रोक लें, 15-20 दिन रोक लें कम से कम एटलीस्ट, जिससे की वजह से सोयाबीन में अभी और तेज़ी बन जाए, तो वो जो कीमतें होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी और आपकी लागत अच्छी निकल पाएगी और मुनाफा भी मिल पाएगा। जो रेट आप उम्मीद कर रहे हैं आपको तब वो रेट मिल पाएगा। रूपा जी, कुछ दर्शक हैं जो सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सरसों का भाव आगे क्या ऐसा देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि मंडी में जो आवक की होंगी वो 1 महीने की देरी से होंगी। देखिए अभी अगर अराइवल्स देरी से आती हैं तो आगे देखिए उम्मीद तो यही है कि अराइवल्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर अब अराइवल्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो
तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं कि वायदा में बैन के बावजूद भी सरसों की कीमतों में कोई बहुत ज्यादा गिरावट आई नहीं है और अभी प्राइसेस वापस से मंडियों में देखने को मिल रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी है और 9000 के ऊपर भी सरसों जाती हुई दिखाई दी है। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि मस्टर्ड जो है अभी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जैसे ही अराइवल प्रेशर आएगा तो उसके बाद जो है इसमें गिरावट आनी तय है, लेकिन फिलहाल के लिए तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जो सोया ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं, रिफाइंड सोया तेल में क्या करके चलना सही रहेगा? अखिलेश, रिफाइंड सोया तेल में मुझे लगता है कि दूरी बना के रखें, इसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर फिर भी देखा जाए तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है, लेकिन मुझे सस्टेनेबिलिटी नहीं लगती। ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, 1300 के नीचे ही रहेगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें तेजी बनेगी, तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग की रणनीति नहीं लेनी चाहिए। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं बिनौला खल में किन लेवल्स पर बाइंग करके चलना सही रहेगा? क्या बिनौला खल में अभी कुछ निचले लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और फिजिकल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बिनौला खल में किन लेवल्स पर खरीदारी सही रहेगी? देखिए, फिजिकल मार्केट में भी आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पर भी, और थोड़ा करेक्शन आए तब भी ले सकते हैं। कुछ एक आप बाइंग अभी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक क्वांटिटी खरीदनी है तो उसका कुछ 20-25% अभी खरीद सकते हैं। अगर डिप करेक्शन मिलती है तो आप 25% तब खरीद सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वहां पर भी आप बाइंग को वापस से अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी 2600 के ऊपर अभी इसको सस्टेन करने दीजिए। एक दो ट्रेडिंग सेशन हम देख लें, अगर ये क्लोजिंग दे देता है 2600 के ऊपर की, तब इसमें आप देखेंगे 2700-2750 का लेवल आएगा, वहां पर कंसोलिडेट होगा मार्केट, और उसके बाद फिर आपको 2800-2850 के बाद सीधे 3000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें अभी आउटलुक जो है काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो भी करेक्शन आए आप उसमें बाय कर सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर भी इसमें बाइंग बनाई जा सकती है, लेकिन आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप थोड़ा होल्ड कर पाएं पोजीशन को। अगर करेक्शन आता भी है एक दो दिन तो वहां पर आप जो है फिर से बाइंग की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। लेकिन देखिए, 2400 का एक अहम सपोर्ट है वायदा के अंदर, उसको आप स्टॉप लॉस लेकर जो भी नियर बाय आपको पॉइंट्स मिलते हैं उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं। लेकिन हमें टारगेट काफी पॉजिटिव लगता है इसमें, अब 2600 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2800 तक एक बार मार्केट जा सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं रामदीन बिश्नोई जी, जिनका सवाल जीरे और कपास को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि जीरे में अभी क्या करके चलना सही रहेगा फिजिकल में, और कपास में आगे जाके कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए, जीरे में तो मुझे लगता है कि फिजिकल के अंदर ज्यादा समय इसमें सस्टेनेबिलिटी अभी आने दीजिए, तभी इसमें बाइंग करने का फायदा है। अभी एट इन लेवल्स के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मुनाफा हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अगर आप फिजिकल में बाय करते हैं तो हो सकता है यहाँ से 200 या 500 रुपए की तेजी आए, तो इससे ज्यादा तेजी अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी देखिए, तेजी तो बन रही है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, तो मेरे हिसाब से जीरे में फिजिकली बाइंग में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर रखा हुआ है तो उसको होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। और जहां तक कॉटन की बात है, कॉटन के अंदर, कपास के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो करेक्शन आया है थोड़ा बहुत वो रुक सकता है, लेकिन उसके बाद वापिस से तेजी बन सकती है। कपास को आप होल्ड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि क्रॉप काफी डैमेज है, काफी जगहों पर हमने देखा है पंजाब बेल्ट के अंदर काफी नुकसान हुआ है, हरियाणा में भी कॉटन को, नरमे को काफी नुकसान पहुंचा है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है, तो आप कपास को होल्ड करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ मनीष कुमार जी, जिनका सवाल धान को लेकर आ रहा है, ये जानना चाहने की धान में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, क्योंकि हमने देखा रूपा जी की जो धान है वो कई जगहों पर MSP से नीचे भी बिकती नजर आई थी पिछले साल भी, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि धान की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं MSP से थोड़ी नीचे ही देखने को मिली है। देखिए, पैडी बिल्कुल अभी थोड़ी बहुत तेज हो सकती है, लगातार हम तेजी इसमें आते हुए भी देख रहे हैं पैडी के अंदर, और कल परसों जो है वो अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन कल थोड़ा सा मार्केट जो है लुढ़कता हुआ दिखाई दिया था। 200 पॉइंट की जो है मंडियों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वापिस से उठ सकता है मार्केट, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो पैडी के अंदर अभी पोजिशन बनाई जा सकती है। ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ना फॉलो करें। अभी देखिए, करंट लेवल से अगर आपको 400-500 रुपए का तेजी मिलती है तो वहां पर आप जो है फिर थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट भी करते रहे साथ में, क्योंकि अभी काफी इसमें भी बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कब सेलिंग आ जाए। जी
तो यानी कि जैसे कि रूपा जी ने हमें बताया कि कुछ कमोडिटीज में तेजी रहेगी, जैसे कि बिनौला खल हुआ। बिनौला खल में निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना सही रहेगा, क्योंकि साल 2022 में भी बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल मांग है वो निकल के सामने आ सकती है। और रूपा जी जैसा धान के बारे में बता रही थी कि धान में भी, रूपा जी धान में मंदी तेजी के बारे में आप बता रहे थे, धान में अब कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? ठीक है, धान में भी तेजी बन सकती है, बासमती के अंदर भी 1401 में भी, और 1121 1401 इनमें अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। आप इनको पोजीशंस इसमें बनाकर चल सकते हैं, और जिनके पास रखा है बिल्कुल वो उसको अभी थोड़ा सा रोक सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइजेस जो है ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे क्योंकि सप्लाई भी काफी हिट होती हुई दिखाई दी है इस बार, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट लेवल से 200 से 500 पॉइंट की तेजी आ सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं अर्जुन चंद्रवंशी जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो लेवल सोयाबीन के तेजी वाले इस समय फ्यूचर मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, क्या यहाँ से अभी थोड़े निचले लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें सोयाबीन में खरीदारी करके चला जा सके और 8,000 तक का लेवल अचीव किया जा सके? देखिए, अभी निचले लेवल थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है कि करेक्शन आएगी। मुझे लगता है कि अभी यहाँ से एक बार तेजी में ही रहेगा मार्केट, जिस हिसाब से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है अपसाइड ही है। गिरावट के चांसेस अभी फिलहाल कम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ अनीश अंजना जी, जिनका सवाल धनिए को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा है कि धनिए की शॉर्टेज है और स्टॉक भी, कैरी ओवर स्टॉक भी थोड़ा कमी देखने को मिला, फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हमने एक्सपोर्ट डिमांड तो सुना है कि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या इन लेवल्स पर आयात की भी कोई पॉसिबिलिटी है? ये आयात के बारे में जानना चाहते हैं धनिए के। देखिए, नहीं अभी फिलहाल ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और अभी तो प्राइजेस जो है देखिए अभी तो चलना शुरू हुए हैं। अभी अगर ये देखिए 10,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देते हैं, तब थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ अपडेट निकल कर आए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक हैं सुनील बंसल जी, जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने हाल ही में देखा कि मूंगफली की जो मांग है मंडियों के अंदर ज्यादा बढ़ी है, डीओसी की मांग ज्यादा बढ़ी है, यहाँ तक कि मूंगफली दाना और उसका जो तेल है उसकी भी जो डिमांड है अच्छी खासी बढ़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मूंगफली यहाँ से अभी और तेज होती नजर आएगी, जिस हिसाब से देख रहे हैं विंटर सीजन भी, और विंटर में मूंगफली की जो खपत है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, विंटर सीजन की एक डिमांड जो है इसको बूस्ट अप दे सकती है और तेजी बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की तरफ ना रहे। छुटमुट देखिए, जब डिमांड निकलेगी तो थोड़ा बहुत प्राइजेस के अंदर बूस्ट अप आना तय है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है मूंगफली के अंदर। लेकिन हाँ, ग्राउंडनट ऑयल के अंदर थोड़ा सा बाजार जो है वो उठता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं नितिन धागड़ जी, जिनका सवाल लहसुन के बारे में आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं लहसुन का भाव अभी कैसा देखने को मिल सकता है, लहसुन में अभी क्या करें, रोकें या बेचें? देखिए, लहसुन में अभी फिलहाल जो है एक विंटर सीजन की डिमांड की एक्सपेक्टेशन तो है कि उसके चलते थोड़ा बहुत बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, अगर थोड़ा बहुत बाजार उठते हैं तो वहां पर लिक्विडेट करें तो ज्यादा सही होगा। मेरे हिसाब से आपको एक बार 10 से 15 दिन वेट कर लेना चाहिए। जी तो यानी कि रूपा जी की तरफ से सलाह रहेगी लहसुन में कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, विंटर सीजन की जो डिमांड है, जो मांग है वो उठती नज़र आ सकती है। जब वो डिमांड निकले, अगर आप रोक सकते हैं अपना लहसुन तो तब तक रोक लें और फिर वहाँ पे अपना लहसुन बेच दें। रूपा जी, शिव कुमार पटेल जी जुड़े हैं, जो चने के बारे में जानना चाह रहे हैं, चने में अभी कैसा रुझान रहेगा? हम देख रहे हैं कि चना और दालों का जो बाजार है नरमी के साथ ही देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले भी हमने उनमें नरमी देखी थी और उसके बाद भी देख रहे हैं कि नरमी देखने को मिल रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या चने को अभी जैसे कि नरमी देखने को मिल रही है तो क्या होल्ड कर लेना चाहिए जब तक तेजी ना बने, या फिर इन्हीं लेवल्स पर लिक्विडेट करते रहें? देखिए, अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है दालों के अंदर। मेरे हिसाब से अभी प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, तो अभी फिलहाल इसमें स्टॉक करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से आगे चलकर प्रेशर ही रहेगा, तो इसके जब तक देखिए अगर वायदा में वापस से चना आ जाता है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्राइजेस जो है फिर से तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे, स्पेकुलेशन तब बढ़ जाता है, लेकिन अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक के जुड़े हुए हैं जो मेंथा के बारे में जानना चाह रहे हैं, मेंथा में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, जिस हिसाब से देख रहे हैं मेंथा में
एक मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है, नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है, कंज्यूमर डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही है, तो क्या मैंथा में ट्रेड करना सही रहेगा या फिर दूरी बनाए? देखिए मैंथा में भी अभी बाजार, जैसे मैंने पहले भी बोला कि 1000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी पर ही इसमें बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी बाजारों में ऐसा कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि डिमांड पिकअप होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और कीमतों के अंदर लगातार जो है दबाव ही है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं अर्जुन जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जाना सोयाबीन के इंट्राडे के लेवल्स जानना चाह रहे हैं कि आज इंट्राडे में सोयाबीन किन लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ सकती है, क्या हाईज रहेंगे क्या लोज रहेंगे? देखिए अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी सोयाबीन जो है थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और इसके अंदर जो है वो आज भी आप बाइंग में रह सकते हैं क्योंकि तेजी जो है वो लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर में जब ये 6800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देगा तब इसमें एक तरफा रैली जो है आप देख सकते हैं। और अभी आज के लिए मुझे लगता है कि सोयाबीन जो है दिसंबर वायदा की मैं बात करूं तो नीचे में 6520 से लेकर ऊपर में आपको 6660 तक की रेंज में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज हल्के लाल निशान जरूर दिखा रहा है और अगर यहाँ से फिसलता है 6500 के नीचे लुढ़कता है तो 6480 तक भी जा सकता है दिसंबर वायदा। वहीं जनवरी वायदा की बात करें तो जनवरी वायदा के अंदर भी यही लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे में 6520 है, अगर उसको तोड़ देता है तो 6480 तक की गिरावट आ सकती है। और वहीं ऊपर की बात करें तो 6660 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको 6720 से लेकर 6780 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स इंट्राडे में एक्सपेक्टेड हैं, जो डिप आए उस डिप के अंदर मेरे हिसाब से बाइंग में रहना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं विशाल सखारे जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन के भाव ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे या फिर कुछ सीजन आएगा या फिर कुछ ऐसा समय आएगा जब सोयाबीन की जो तेजी है वो थमती हुई भी नजर आ पाएगी? देखिए बिल्कुल गिरावट भी आएगी बाजारों के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही रैली रहेगी, लेकिन अभी ट्रेडर्स एक्टिव हैं, स्टॉकिस्ट बाइंग कर रहे हैं जिस वजह से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट फार्मर्स ने भी रोका हुआ है माल, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तेजी है। जैसे ही सब थोड़ा सा प्राइस बूस्टअप होंगे मार्केट में माल आना शुरू होगा और वापस से फिर कीमतें जो है वो नीचे की तरफ लुढ़क सकती हैं। तो अभी तो जो रेंज है वो हमने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा बाजार तेजी की तरफ, बाजार का मूड भी तेजी की तरफ है, ट्रेडर्स का मूड भी तेजी की तरफ है, इसलिए बाजार तेजी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से रैली जो है वो इंटैक्ट हो सकती है और बढ़ सकती है। जी रूपा जी, चीनी की बात करें अगर शुगर की, तो शुगर में हमने देखा है जो प्राइसेस हैं वो 4 साल के निचले स्तर पर आते हुए नजर आए थे, उत्पादन काफी बढ़िया बताया जा रहा है भारत के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी, और जो सप्लाई है वो मोर देन इनफ बताई जा रही है क्योंकि उत्पादन ज्यादा है तो सप्लाई भी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा ही रहेगी। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से इंडिया में वेडिंग सीजन है तो क्या चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है यहाँ से, और या फिर ज्यादा उत्पादन रहने की वजह से, ज्यादा सप्लाई रहने की वजह से चीनी की कीमतों में ऐसे ही एक सीमित दायरा देखने को मिलेगा? देखिए अभी फिलहाल चीनी की कीमतें ऑलरेडी मार्केट में तेजी की तरफ थी और अभी थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन रिटेल में तो आप देखिए प्राइसेस अभी भी हाई पर ही हैं, कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। लेकिन हाँ बाजार यही सस्टेन कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इसमें नहीं तो बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है, हो सकता है 1 से 2 रुपए की करेक्शन आपको देखने को मिले लेकिन ज्यादा गिरावट की भी उम्मीद नहीं है और फिलहाल बाजार जो है इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए योगेश साहब जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाहे बिनौला खल में नीचे का सपोर्ट क्या रहेगा? देखिए बिनौला खल में नीचे जो है मैंने बताया कि 2400 है, थोड़ा लंबा है यहाँ से क्योंकि अभी ये 2600 के ऊपर सस्टेन कर गया है, तो आपको एक बार हो सकता है 2520 को आप दूसरा जो है इसका एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2520, और उसके उसको आप स्टॉप लॉस लेकर इसमें बाइंग में बने रह सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं बिल्कुल अभी अभी हमारे साथ इलियास फारूकी जी, जिनका सवाल मक्के के बारे में आ रहा है, ये मक्के के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी, हमने देखा साल 2020 और साल 2021 दोनों ही मक्के के लिए कुछ ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट MSP से भी हमने हाफ रेट पर मक्का बिकता हुआ देखा है। आपको क्या लगता है, क्या साल 2022 मक्के के लिए अच्छा रह पाएगा या फिर साल 2022 भी ऐसे ही रह जाएगा साल 2020 और 21 की तरह?
देखिए अभी मक्के ने पिछले 2 सालों से कुछ भी किसानों को अच्छा रिटर्न नहीं दिया, इनफैक्ट अच्छा प्राइस भी नहीं मिल पाया है। तो इस बार हो सकता है, अगर देखिए आंकड़े आने दीजिए कि सोइंग कैसी रहती है, अगर इसमें फिर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फिर हो सकता है कि आपको 2023 में मक्के की कीमतों में तेजी देखने को मिले। देखिए ओवरऑल डिमांड तो अच्छी खासी है लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, तो इसलिए जो है वो पिकअप होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। प्राइजेस और बाकी कोरोना की वजह से भी कहीं ना कहीं डिमांड इम्पैक्ट हुई थी, जिस वजह से इसकी कीमतें नहीं उठ पाई। और वैसे भी पिछले 2 सालों से ही हम देख रहे हैं कि इनकी कीमतें एक रेंज में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी फिलहाल जो है 2023 प्रोडक्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, सप्लाई कैसी रहती है, कैसा फसलें आती हैं। लेकिन अभी जो है प्राइजेस जो है उसमें कोई बूस्टअप एक्सपेक्टेड नहीं है, अभी बाजार जो है वो इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई देंगे। जी रूपा जी, अर्जुन जी का सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन का लेवल 8000 तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि लेवल से 8000 तक जा सकते हैं। जी, तो यानी कि सोयाबीन का लेवल रूपा जी के अनुसार 8000 तक जा सकता है। जिस हिसाब से सोयाबीन की कीमतों में तेजी है, किसानों ने अपना माल रोका हुआ है, थोड़ा और रोकने की क्षमता बढ़ा लें अगर आप रोक सकते हैं, क्योंकि आगे जाके सोयाबीन के जो भाव हैं वो और अच्छे मिलते नज़र आ सकते हैं। और जो लेवल, जो दामों की उम्मीद किसान अभी लगाए बैठे हैं कि 8000 देखने को मिल सकते हैं, तो वो ज़रूर हासिल हो सकते हैं अगर आप अपना माल अभी रोक के चलेंगे, मंडियों में आवकें कम देखने को मिलेंगी। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी सोयाबीन की कीमतों में उछाल है, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है, जिसका असर भारतीय सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे आज के लिए, आपकी तरफ से एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है इंट्राडे में। देखिए इंट्राडे में मुझे लगता है कि अभी बिनोला खल तेजी में जा सकता है, तो बिनोला खल के अंदर बाइंग किया जा सकता है, और इसके साथ साथ धनिया के अंदर भी बाइंग करके चली जा सकता है। तो ये दो कमोडिटी ऐसी है जो एक अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।